हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट सेशन, जिसमें पिछले सेशन में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। आज हम नेक्स्ट सेशन में बहुत सारी और थ्योरी भी सीखेंगे। इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, राइट? एक सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम जो यहाँ पर होती है जैट, उसका एक क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो जैट एग्ज़ाम का क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है, रानी बाय मोर एप्पल्स देन ऑरेंज। मोर एप्पल्स देन ऑरेंज, शी सेल्स एप्पल्स एट द रेट ऑफ 23 पर पीस एंड ऑरेंज एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर पीस। ऑन एप्पल्स हिज प्रॉफिट इज 15% and on orange the profit is 25%. If her revenue is ₹653, then find her overall profit percent. Find her overall profit percent. Now let me explain the answer. अब क्वेश्चन के अंदर आपको ये दिया है कि रानी एप्पल ज़्यादा परचेज करती है ऑरेंज से। तो एप्पल को मैं एज्यूम कर लेता हूँ एक्स, ऑरेंज को एज्यूम कर लेता हूँ मैं वाई। एंड दिस इज गिवन दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स का वैल्यू वाई से ग्रेटर है। अब पर एप्पल उसका प्राइस 23 रुपीज में सेल करती है, तो 23x रुपया तो उसको एप्पल से मिल जाएगा, प्लस 10 के रेट से ऑरेंज, तो 10y ऑरेंज से मिल जाएगा। टोटल पैसा उसको मिला 653। तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। इज दैट क्लियर? अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो मैं 10y इक्वल टू लिख सकता हूँ 653 माइनस 23x। तो मेरा y इक्वल टू हो जाएगा 23x 653 माइनस 23x होल डिवाइडेड बाय 10। नाउ x एंड y। अब मैं x को क्या लेऊं? x को यदि मैं 1 लेता हूं तो ये मेरा बनेगा 653 माइनस 23, कितना बना 640 डिवाइडेड बाय 630 सॉरी 653 माइनस 23, एक्स को 1 ले रहा हूँ मैं। तो यदि मैं एक्स को 1 लेता हूँ तो ये मेरा बनेगा 653 माइनस 23 यानी 630 डिवाइडेड बाय 10, तो वाई मेरा आ गया 63। बस केवल एक वैल्यू निकाल लो, बाकी अपने आप आ जाएंगे। मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको सिखाया था कि एक्स के अंदर जो डिफरेंस आता है वो वाई का कोफिशियंट होता है, और वाई के अंदर जो डिफरेंस आता है वो एक्स का कोफिशियंट होता है। और यदि यहाँ प्लस का साइन है, ये बताया था मैंने पिछले लेक्चर्स में, यदि यहाँ प्लस का साइन है तो एक्स इंक्रीज होता चला जाता है और वाई डिक्रीज होता चला जाता है। तब एक्स का जो चेंज है वो वाई का मल्टीपल होगा, यानी 10 10 का चेंज एक्स में आएगा, तो 1 के बाद क्या आना चाहिए इसमें 11 11 के बाद क्या आना चाहिए इसमें 21, ऐसे आते चले जाएंगे। और इधर वाई के अंदर कम होता जाएगा, कितना कम होगा वो जो एक्स का मल्टीपल है 23। तो यदि मैं 63 में से 23 लेस करूँ तो कितना बनेगा मेरा 40 40
40 में से फिर 23 लेस करूं तो कितना बनेगा मेरा 17, ऐसे आते चले जाएंगे। इज दैट क्लियर? नाउ ये एक्स ग्रेटर देन वाई है क्या इस केस में? क्वेश्चन में दिया ना एक्स ग्रेटर देन वाई, तो यहाँ तो नहीं है, तो ये आंसर हो गया आपका फेल। ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ भी एक्स लेसर देन वाई है, ये होगा। अब आप बोलोगे यही होगा क्या, और नहीं हो सकते क्या? और करके देख लेते हैं, 21 + 10 करता हूँ तो मैं 31 आता है, और इसमें मैं 23 कम करता हूँ तो मेरा निगेटिव आ जाता है, इसलिए मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि जो हमारे एप्पल से उसने कितने सेल करे होंगे, 21, और जो ऑरेंज है उसने कितनी सेल करी होगी, 17। इज दैट क्लियर? तो अभी तो इतना पता चला कि कितने एप्पल्स उसने सेल करे और कितने ऑरेंज सेल करे। अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे कैलकुलेशन करते हैं। यस प्लीज। अब हमको मनी रिसीव्ड बाय एप्पल्स, बहुत अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को, आपको आइडिया लग जाएगा कि जैड के अंदर किस तरह के क्वेश्चन से डिजाइन किए जाते हैं। मनी रिसीव्ड बाय एप्पल्स, अब ये पता चल चुका है कि उसने एप्पल कितनी सेल करी, 23, और एक एप्पल का रेट भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 21। 23 रेट है सॉरी, और 21 एप्पल्स उसने सेल करी, तो 23 × 21 यानी कि ये 483 आ गया। इज दैट क्लियर? चलिए अच्छा, मनी रिसीव्ड बाय ऑरेंज ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑरेंज से कितना मनी रिसीव होता है, 10 × 17, तो ये आ गया मेरा 170। इज दैट क्लियर? अब हम दोनों की कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस किसकी, एप्पल्स की, और एक हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है ऑरेंज की। हमको अलग अलग कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगी। अब कॉस्ट प्राइस कैसे पता चलेगा, सेलिंग प्राइस तो हमारे पास है किसकी, एप्पल की, कितनी मनी रिसीव्ड बाय एप्पल्स, 483। अच्छा, एप्पल्स के अंदर प्रॉफिट कितना परसेंट है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जो एप्पल के अंदर प्रॉफिट का परसेंटेज है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 15%। इज दैट क्लियर? तो प्रॉफिट है आपका 15%। इससे मैं कॉस्ट प्राइस निकाल लूंगा। मैं कैसे कॉस्ट प्राइस निकालता हूँ वो आप देखिएगा। 15% प्रॉफिट का मतलब होता है कि 100 रुपीज यदि कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस 115, यही मतलब होता है। मैं इसको और कैंसिल करके बोलूँ 5 से, तो ये 20 का 23, यानी कॉस्ट प्राइस 20 है तो सेलिंग प्राइस 23, और आपके क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दे रखा 483। अब आप ये देखो 23 का कितना टाइम से 483, 2 जा करें तो 46 आता है, बचा कितना, 2, अगेन 23, 1 जा, 21 टाइम्स है, तो ये भी कितना टाइम्स होगा, 21 टाइम्स, तो ये आपका 420 आ गया कॉस्ट प्राइस। किसका आ गया, ये एप्पल्स का। अब इसी तरह से कॉस्ट प्राइस ऑरेंज का भी निकालना है। अब ऑरेंज के अंदर प्रॉफिट दिया 25%, का मतलब ये है कि यदि कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है तो सेलिंग प्राइस कितना है, 125, रेशो में बोले तो 4:5, और आपके क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस ये लिखा है 170, तो 170 लिखा। अब ये देखो कितना टाइम से, 5 × 3 = 15, 2 बचे, 5 × 4 = 20, 34 टाइम्स, तो 34 टाइम्स इसको भी करेंगे तो कॉस्ट प्राइस मेरे को मिल जाएगी 4 × 4 = 16 का 6, कैरी ओवर 1, 4 × 3 = 12 + 1 = 13, तो 136 ये इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई। इज दैट क्लियर? अब अपन टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं दोनों की मिला करके। टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 480, 420 तो उसकी थी और 136 इसकी आ गई, तो 420 + 136 मिलाते हैं तो टोटल कॉस्ट प्राइस आ रही है 556। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो पहले प्रॉफिट तो निकले, तो प्रॉफिट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू कितना मिला था सारी चीजें बेचने से, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस इज गिवन टू यू 653। 653 में से टोटल कॉस्ट पता चल गई 556, ये माइनस कर लेंगे, ये हमारा आ गया प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट आ रहा है 97 रुपीज। इज दैट क्लियर? नाउ प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय
कॉस्ट प्राइस, अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आपका टोटल आया था 556, 97 डिवाइडेड बाय 556 मल्टीप्लाइड बाय 100। ओ माय गॉड, इसको मैं सॉल्व कैसे करूँगा, इतना डिफिकल्ट लग रहा है ये कैलसी के बगैर वो भी, है ना। चलिए देखिए मैं अप्रोच इसमें क्या यूज़ करता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। मैं क्या करता हूँ कि डिनोमिनेटर को लिख देता हूँ 550। अब ये आप सोचो कि मैंने इसको कितना कम किया, 6 कम किया है ना। इसका मैं 1% बोलूँ तो कितना होता, 5.56, यानी कहना इसे कि अप्रोक्स मैंने 1% इस डिनोमिनेटर को कम किया। तो ये रूल है कि आप यदि डिनोमिनेटर को 1% कम करते हो तो न्यूमरेटर को भी 1% कम करना पड़ेगा। तो 97 का 1% करोगे तो पॉइंट यहाँ लगेगा 0.97, यानी अप्रोक्स 1 कम करना, तो ये मेरा बनेगा 96। अब देखो इसको सॉल्व करके कितना आता है, तो ये आप कैंसिल करोगे तो ये 0 तो वैसे ही गया, और ये आपका 5 2 जा और ये 11 जा, 0 से 0 कैंसिल, देन 5 2 जा, 5 11 जा, है ना। तो ये आ गया आपका 96 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 11। अब 96 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 192 होल डिवाइडेड बाय 11। अब तो बड़े आराम से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 11 वन जा 11, कितना बचा 8 82, तो 11 सेवन जा 77 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है, 17 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है, 17.4 आई थिंक अप्रोक्सीमेटली आएगा, दैट इज माई आंसर। तब आप यहाँ पर देखिए कि ये सारी चीज़ें आपको समझ के करना है, और यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन ही ऐसा डिज़ाइन किया है कि कोई शॉर्टकट क्या निकालेगा, ये सब आपको इतना तो करना ही पड़ेगा ना, कितना से कॉस्ट प्राइस है, कितना टोटल कॉस्ट आ रहा है, रेवेन्यू में से इसको माइनस करो। सो वी थिंक वी आर स्मार्ट, बट द पेपर सेटर इज मोर स्मार्टर देन अस, यस नो। तो आपको ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस करना है। चलिए एक और जेड का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ये था जेड 2016 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अ पर्सन एक्सक्यूज मी जस्ट अ मिनट, यस प्लीज, अ पर्सन परचेज आर्टिकल इन प्राइस पी, इन प्राइस पी एंड मार्क, दिस इज पी एंड मार्क एक्स परसेंट अबो कॉस्ट प्राइस, देन ही गिव्स डिस्काउंट ऑफ वाई परसेंट, सो इट इज सोल्ड एट प्राइस पी। इफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू वाई, देन फाइंड एक्स। अगेन दिस इज दैट क्वेश्चन, क्वेश्चन में यह दिया था एक्स और वाई का डिफरेंस वाई है, मैंने इस चीज को ऐसा लिख दिया क्योंकि मैं इस चीज को समझ सकता हूं कि एक्स का वैल्यू वाई से तो ग्रेटर ही होगा। क्यों? क्योंकि पहले किसी आइटम को आपने एक्स परसेंट बढ़ा के लिखा और बाद में डिस्काउंट वाई परसेंट दिया और उसको उतने में ही आप सेल कर रहे हो, इज दैट क्लियर? तो यदि आप ऐसे सोचो किसी चीज़ को 100 को 10% बढ़ाओगे तो 110 वापस 10% कम करोगे तो और पीछे चले जाओगे, उतना ही आ रहा है। इसका मतलब जो बाद वाला परसेंटेज है जितने से कम किया वो कम है एक्स से, है ना, ये तो समझ आ ही रहा है। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू वाई, तो आपको किसका वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप समझने का ट्राई करिए इसको। अब एक आदमी किसी चीज़ को पी प्राइस में परचेस करता है और उसको एक्स परसेंट ज़्यादा बढ़ा के मार्क कर देता है, तो मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया एक्स, मार्क्ड प्राइस हो गया इसका एक्स प्लस पी परसेंट ऑफ एक्स, है ना। बड़ा सिंपल तरीके से सोचते जाते हैं अपन, करते जाते हैं। अच्छा, सेलिंग प्राइस हो गया एक्स प्लस
पी परसेंट एक्स, ये तो इसका मार्क्ड प्राइस है माइनस डिस्काउंट, इसी का कितना परसेंट डिस्काउंट है वाई परसेंट, तो ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया, जो कि क्वेश्चन में दिया पी के इक्वल है, लिखा ना, सो इट इज सोल्ड एट प्राइस पी। ठीक है, अब अपन इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं। इन दोनों में एक्स कॉमन ले लो, तो आ जाएगा वन प्लस पी परसेंट माइनस, फिर इन दोनों में एक्स कॉमन ले लो, फिर आ जाएगा वन प्लस पी परसेंट देन वाई परसेंट, वाई बाय हंड्रेड, एक ही बात है, वाई परसेंट भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू पी। पूरे में क्या कॉमन ले लो, एक्स कॉमन ले लो, और वन प्लस पी परसेंट भी कॉमन ले लो, एक्स और वन प्लस पी परसेंट ये दोनों कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर मेरा आता है, यहां से वन बचा, माइनस वाई परसेंट इक्वल टू पी आ रहा है। एक बार चेक कर लो, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए किसी चीज की। कॉस्ट प्राइस मैंने क्या अज्यूम करा, एक्स, तो मेरा मार्क्ड प्राइस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, क्वेश्चन में पी दिया है, पर्सन परचेज आर्टिकल इन प्राइस पी, सॉरी, तो ये कॉस्ट प्राइस मेरा एक्स नहीं है, पी है, तो मार्क्ड प्राइस मेरा हो जाएगा पी प्लस एक्स परसेंट, बढ़ा के मार्क करा, सो पी प्लस एक्स परसेंट ऑफ पी, ऐसा बोल सकते हैं, पर मैंने इसको पी परसेंट ऑफ एक्स लिख दिया, चलेगा, एक ही बात है आगे पीछे, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो ये मेरा मार्क्ड प्राइस हो गया। अब इस पर डिस्काउंट अपन दे रहे हैं, तो डिस्काउंट दे रहे हैं, तो मार्क्ड प्राइस आपका ये पी हो गया मेरा, सॉरी, पी प्लस पी परसेंट ऑफ एक्स मेरा, इसमें से माइनस करूंगा मैं पी प्लस पी परसेंट एक्स का कितना परसेंट, वाई परसेंट, और वो किसके इक्वल आ रहा है, पी के इक्वल आ रहा है। अब इन दोनों में मेरा जो कॉमन पार्ट है वो आ रहा है पी प्लस पी परसेंट एक्स, ठीक है, तो ये मैं हटा करके इस स्टेप को चेंज करके लिख रहा हूँ, तो ये मेरा आ जाएगा पी प्लस पी परसेंट एक्स, तो अंदर कॉमन क्या आया, वन माइनस वाई बाय हंड्रेड, ये सब किसके इक्वल आ रहा है, पी के इक्वल आ रहा है। अब वापस इसमें क्या कॉमन है, पी कॉमन लेता हूं मैं, तो पी कॉमन लेता हूं तो ये आ जाएगा वन प्लस एक्स परसेंट, और ये आ जाएगा वन माइनस वाई परसेंट इक्वल टू पी, पी से पी भी मेरा कैंसिल हो गया, तो ये यहां पर इसको और सॉल्व कर लेता हूं मैं, तो ये मेरा बनेगा वन प्लस, है ना, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, वन वन जा वन माइनस वाई परसेंट माइनस, नहीं, प्लस एक्स परसेंट माइनस एक्स परसेंट वाई परसेंट, और इक्वल टू क्या आ गया, वन, तो ये वाले वन से ये वाला वन कैंसिल है ना, उधर कैंसिल हो गया था तो वन बचा था, पी सी पी कैंसिल हो गया था, तो ये बना मेरा, पहले इसको लिख लेता हूँ एक्स परसेंट, यानी कि एक्स बाय हंड्रेड, चलो एक्स परसेंट रहने देते हैं, माइनस वाई परसेंट देन माइनस एक्स परसेंट वाई परसेंट इक्वल टू जीरो, कुछ नहीं बचा, इज दैट क्लियर। तो आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। अब ये क्वेश्चन में ये जो दिया एक्स माइनस वाई इक्वल टू वाई, तो कैन आई से एक्स इक्वल टू टू वाई, तो जहां जहां एक्स है वहां मैं क्या लिख सकता हूँ, टू वाई, तो मैं इससे लिख सकता हूँ एक्स इक्वल टू टू वाई, तो ये मेरा जहां जहां एक्स है वहां टू वाई कर देता हूँ, तो टू वाई परसेंट माइनस वाई परसेंट, इसको उधर ले लेते हैं माइनस वाले को तो प्लस हो जाएगा, तो अच्छा जहाँ एक्स है इस एक्स को मैं लिख सकता हूँ टू वाई परसेंट, और ये मेरा हो गया वाई परसेंट, तो टू वाई परसेंट में से वाई परसेंट गया, तो वाई परसेंट इक्वल टू टू वाई परसेंट, तो ये मेरा वाई परसेंट से वाई परसेंट कैंसिल हो गया, टू वाई परसेंट को मैं लिख सकता हूँ टू वाई अपॉन हंड्रेड, यस नो, तो ये वन इक्वल टू हो गया टू वाई अपॉन हंड्रेड, तो ये हंड्रेड इधर आएगा, तो हंड्रेड इक्वल टू हो गया टू वाई, और 2y किसके बराबर था, x के बराबर था, तो x कितना आ गया 100, तो दिस इज माय आंसर, इज दैट क्लियर।
तो इस तरह से अपन क्वेश्चन को मैनेज कर सकते थे। तो ये टफ नहीं है, 3-4 लाइन में आप प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप बना सकते हो। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन जैट के थे, इस तरह के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है अ मैन सेल्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा आप, बाइसिकल एट ए गेन ऑफ 10%। हैड ही बॉट द बाइसिकल एट 10% लेस एंड सोल्ड इट इन रुपीज 132 लेस देन ही वुड हैव स्टिल गेन्ड 10%। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल। तो बाइसिकल की कॉस्ट प्राइस आपको बताना है। अब पहले क्वेश्चन को समझने का ट्राई करो। कॉस्ट प्राइस मुझे मालूम भी नहीं है तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि कॉस्ट प्राइस सपोज करिए 100 रुपीज, और सेलिंग प्राइस उन्होंने बोला है बाइसिकल उसको सेल करता हूँ 10% प्रॉफिट में, तो सेलिंग प्राइस कितना ले लूँ मैं, 110। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि यदि उसको वो 10% कम में उसने खरीदा होता, ये लिखा है ना, हैड ही बॉट द बाइसिकल एट 10% लेस एंड सोल्ड इट इन रुपीज 132 लेस देन ही वुड हैव स्टिल गेन्ड 10%। ठीक है, तो अभी 132 पे आप कॉन्सेंट्रेट मत करो, पहले ये देखो कि यदि उसने 10% और कम में खरीदा होता तो ये होता वाला सीपी आपका हो गया 90, 10% इससे कम है ना, तो उस केस में भी उसका गेन कितना होता, 10% होता। तो यानी गेन अभी जो आ रहा था 110 आ रहा है, और उस केस में गेन मेरा होता 10%, सॉरी इस पे गेन, ये वाला कॉस्ट प्राइस नया वाला। इज दैट क्लियर? तो ये वाले कॉस्ट प्राइस में मेरा गेन 10% होता, तो कहना ही से कि ये वाला कॉस्ट प्राइस मेरा 90 है तो इस पे गेन 10% होता है, तो मेरा जो नया सेलिंग प्राइस है वो होता मेरा 99। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन में ये बोला है कि एक बार और मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से समझना, यदि 100 में उसने परचेज करा और 110 में उसने बेचा, 10% प्रॉफिट हो रहा है, पर क्वेश्चन देने वाला है बोल रहा है कि यदि उसने 10% कम में खरीदा होता यानी 90 में खरीदा होता और उसको 10% प्रॉफिट में बेचा होता यानी 90 प्लस 10% 99 में बेचा होता, तो 10% गेन हो रहा 99 है ना, गेन में बेच रहा तो 99 में बेच रहा, तो उन्होंने क्या बोला है कि वो 132 कम में बेचता। अभी कितने में बेचा इसने, 110 में पहले केस में, दूसरे केस में कितने में बेचा, 99 में, तो यहाँ कितना कम आ रहा है, कितने का फर्क आ रहा है, 11 का, और क्वेश्चन देने वाले ने फर्क कितने का बोला है, 132 कम बोला है, ये यहाँ पर 11 कम है ना, वैसे 132 बोला है। अब 11 को काय से इंटू करें कि 132 आ जाए, 12 से, मुझे तो पता है, आप डिवाइड करके देख लेना है ना, प्रैक्टिस होगी तो आपको याद रहेगा 11 × 12 = 132 होता है, तो ये 12 टाइम्स है, इसका मतलब हर चीज मेरी 12 टाइम्स है, तो मेरी जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 जो मैंने अज्यूम करी थी वो भी 12 टाइम्स है, तो आंसर क्या आएगा, 1200 आ जाएगा। इस तरह से अपन इन चीजों को सोच सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाय सेलिंग फिफ्टीन टॉफीज
फॉर अ रूपी, एक रुपए की 15 टॉफी कोई सेल करता है, अ पर्सन लॉस्ट 9%. हाउ मेनी टॉफीज फॉर अ रूपी ही शुड सेल इन ऑर्डर टू गेन फाइव परसेंट. देखिए क्वेश्चन में ये बोला है कि 15 टॉफी यदि वो 1 रुपए की सेल करता है तो उसको लॉस होता है 9%, तो वो 1 रुपए की कितनी टॉफी सेल करे कि उसको गेन हो जाए 5%. इज दैट क्लियर? ये बात समझ आ गई. चलिए अपन ट्राई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. अब सबसे पहले तो 15 टॉफीज वो 1 रुपए की सेल करता है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 15 टॉफी इक्वल टू 1 रुपी. देयर फॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टॉफी, एक टॉफी की सेलिंग प्राइस निकाल लो, 1/15. इज दैट क्लियर? अब सेलिंग प्राइस 1/15 है और उस केस में बंदे को लॉस हो रहा है 9%, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू फार्मूला जैसा कि मैंने बताया था, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस 9 करूँ तो ये मेरा 91 आ गया. इज दैट क्लियर? तो कॉस्ट प्राइस तो मेरे को पता चल गई एक टॉफी की. अब हम चाहते हैं कि इसमें गेन हो जाए 5% का, यानी 5% कमाना है हमको, तो यानी कि 5% बढ़ा के बेचना है, तो सेलिंग प्राइस हमको क्या रखना पड़ेगा, 1/15 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 91 मल्टीप्लाइड बाय 5%. किसी चीज़ को बढ़ाना है तो 105/100 टाइम्स कर लो. ये रूल ऐसा समझ लो, याद कर लो इसको, एक ही बात है, आप उसको पूरा करेंगे तो भी यही आना है ना. किसी चीज़ को मान लो 17% बढ़ाना है तो 117/100, 5% बढ़ाना है तो 105/100, 20% बढ़ाना है तो 120/100. ऐसी हैबिट डाल लीजिएगा. तो ये मेरे को क्या मिला, इसकी सेलिंग प्राइस मिल जाएगी. अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये मेरे का 100 से 100 मेरा कैंसिल हो गया. अब मेरा ये कैंसिल करके मैं देखता हूँ तो 91 7 से कैंसिल करता हूँ तो ये 7 से कैंसिल होगा तो 15, ये 15 से 15 भी गया, तो फाइनली आ गया मेरा 1/13 सेलिंग प्राइस आ गया. इज दैट क्लियर? तो ये जो 1/13 सेलिंग प्राइस आया, ये एक टॉफी का आया क्योंकि अपन 1 टॉफी पे ही वर्क कर रहे हैं. इज दैट क्लियर? तो यानी कि 1/3 रुपीज सेलिंग प्राइस है एक टॉफी का, यानी इतने रुपए में एक टॉफी बेचना चाहिए, तो 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचना चाहिए, तो 1/1/13 ऐसा करेंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा, 13 टॉफी सेल करना चाहिए. दिस इज माई आंसर. लेकिन ये इतना सब सोचना, इतना सब करना, एग्जाम में आप खुद सोचो इतना टाइम आप लगाओगे तो बड़े बड़े कैट और जेट जैसे एग्जाम तो किसी हालत में क्लियर नहीं होना. यस नो, ये सब स्कूल वाले मेथड जो अपन कर रहे हैं कि इतने पे इतना, वन पे इतना, ये सब अपन करते थे. अब आपको नया सीखना है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे, चुटकियों में विद इन सेकंड्स जैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना. 1 रुपए में पहले आप 15 टॉफी बेच करके लॉस कर रहे थे 9% का, इसका मतलब मान लो कॉस्ट प्राइस 100 है तो आप पहले 91 ही पा रहे थे, 9% का लॉस हो रहा था. अब आप चाहते हैं कि 5% की कमाई हो जाए, यानी 100 पे कितना आ जाए, 105. इज दैट क्लियर? ये काय का रेशो आ गया, ये ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस, यानी ये प्राइस का रेशो एक तरह से. इज दैट क्लियर? थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके मैं बोल दूं इसको तो ये मेरा हो जाएगा, काय से कैंसिल हो रहा है, 7 से, तो 13:15 ये प्राइस का रेशो है. अब क्वांटिटी का रेशो मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों ही केस में वैल्यू तो 1 है, ये भी 1 रुपए की बेच रहे हैं और बाद में भी 1 ही रुपए की बेचना है. तो यदि वैल्यू का रेशो 1:1 हो तो मैंने आपको सिखाया है कि जो प्राइस का रेशो उसका उल्टा क्वांटिटी का रेशो होगा. ये 13:15 है तो ये कितना होगा, 15:13. इसका मतलब पहले यदि आप 15 टॉफी बेच रहे थे 1 रुपए की, तो आप कितनी बेचना चाहिए, 13. दिस इज माई आंसर. तो कितना सिंपल और कितना ईजी से आपको आ गया. और आप देखो ये आपका पेंडेमिक से कितना फ़ायदा होता है, ये ऑनलाइन टीचिंग और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है. अब आप ये देखो कि आप
अपने व्हीकल उठा करके आप ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हैं, इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद वापस आने में टाइम, जाने आने में टाइम लगा रहे हैं, उसके बाद आप बहुत सारी परेशानियां फेस कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि आप घर में बैठ करके यदि आप बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझ के अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, राइट? सो ट्राई टू गिव यूर 200%, 100% वर्क नहीं करेगा, और ये मेहनत आपका बहुत ही अच्छा रिटर्न देगी और बहुत अच्छा आपका वैल्यू एडिशन होने वाला है। आप इस पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करके सॉल्व करते जाइए इन क्वेश्चंस को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यस प्लीज, अब हम थोड़ा सा स्टॉक्स और शेयर्स की दुनिया में चलते हैं। स्टॉक्स एंड शेयर्स, कई लोग तो इंटरेस्टेड भी रहते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता तो वो जानना भी चाहते हैं आखिर ये दुनिया है क्या, है ना? बहुत लोग सोचते हैं कि इसमें 1-2 का 4 हो जाता है, बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है ना? कई लोग ये बोलते हैं कि नहीं, इसमें तो खोया ही जा सकता है, लोग खोते ही हैं। तो आज ये कुछ चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, आपको समझाऊँगा, और उसके बाद आप इसके क्वेश्चंस करने लायक हो जाएंगे। देखिएगा, सपोज करिए एक बंदे को, मैं बहुत बेसिक से बताना चाह रहा हूँ, आप थोड़ा सा ट्राई करना समझने का, कि एक बंदे को ₹50 लाख रुपीस की जरूरत है बिजनेस करने के लिए, और उसके पास ऑलरेडी ₹50 लाख है, यानी उसको टोटल इन्वेस्टमेंट उसका हो गया 100 लाख, 1 करोड़ का, 1 CR का। तो 1 करोड़ से उसको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है और 50 लाख उसके पास ऑलरेडी है और उसको रिक्वायरमेंट है 50 लाख की, तो वो क्या करता है, एक IPO जिसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये निकालता है और लोगों से पैसा इकट्ठा करता है, और वो ये बोलता है कि मैं आपको शेयर्स दूंगा। शेयर का मतलब ये कि हिस्सा, पार्टनरशिप एक तरह से। तो उसको 50 लाख रुपीज इकट्ठे करना है और एक शेयर उसका ₹100 का है, इज दैट क्लियर? तो कितने लोग यदि इकट्ठे होकर के ये पैसा दें, तो 100 का एक शेयर है तो कितने शेयर होल्डर्स होंगे, तो इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा। तो ये 2 जीरो में इसके हटा दूं तो ये मेरा होता है 50,000। तो ये 50,000 मेरे शेयर होल्डर्स होंगे और हर एक बंदे के पास शेयर होगा ₹100 वाला, तो ऐसे करके ये मल्टीप्लिकेशन आपका वापस से वही 50 लाख सॉरी, इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा, और हर बंदे के पास जो शेयर है वो कितने का कहलाएगा, ₹100 का कहलाएगा, इज दैट क्लियर? ये चीज कहलाती है इसकी फेस वैल्यू। सबसे पहली बार शेयर जितने रुपए में हमको मिलता है वो कहलाता है इसका फेस वैल्यू, इज दैट क्लियर? अब सपोज करिए ये शेयर सबसे पहले मुझे मिला कंपनी से, मैंने लिया ₹100 में, मेरा नाम है ए, इसकी फेस वैल्यू ₹100 है। अब मैंने बी को बेचा, मैंने बी को बेचा 120 में, फेस वैल्यू ऑलवेज वही कहलाएगी जो स्टार्ट में थी, बस ये मार्केट वैल्यू है। मैंने बी को बेचा तब मार्केट में वो कितने में अवेलेबल होने लग गया, 120 में, तो ये कहलाएगी मार्केट वैल्यू, ये मार्केट वैल्यू हो गई 120। अब बी ने फिर सी को बेचा 150 में, फिर मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 150। ऐसे यानी इसके ये पार्टनर्स एक तरह से बदलते जा रहे हैं, सबसे पहला पार्टनर मैं था, मैंने बेच दिया था, अब ये बी हो गया, ये एक तरह से छोटे छोटे पार्टनर्स हैं। सी ने डी को बेचा, मान लीजिए कि ये शेयर जो कंपनी है उसकी पोजीशन अच्छी नहीं चल रही है और ये डे बाय डे लॉस उठा रही है, तो इसकी जो गुडविल है वो कम होती जा रही है, तो सी ने डी को कम में बेचा और डी ने खरीद भी लिया सपोज करो 90 में, तो इसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 90। तब भी फेस वैल्यू तो इसकी क्या कहलाएगी, 100 ही कहलाएगी। तो यूं समझ लीजिए फेस वैल्यू एक तरह का प्रिंटेड प्राइस रहता है ना? जैसे कोई टिकट रहता है, रेवेन्यू टिकट बोल दो या डाक टिकट बोल दो, पोस्ट वाला, तो
तो उस पर यानी 5 रुपये छपा है तो वो स्टैम्प बोल दो, तो वो 5 तो रहेगा ही। अब आप उसको 6 में बेचो, 4 में बेचो, ये आपका लुकआउट है। तो ये जो मार्केट वैल्यू है ये इसका चेंज होता चला जाता है, कम ज़्यादा होता रहता है, बट ऑलवेज इसका फेस वैल्यू फिक्स रहता है 100। इज दैट क्लियर? अब एक चीज़ आप समझ लो कि यदि फेस वैल्यू के इक्वल पे कोई चीज़ आपको मिल रही है तो उसे बोलते हैं हम लोग एट पार। यदि फेस वैल्यू पे ही मिल रहा है तो उसे हम बोलते हैं एट पार। फेस वैल्यू से ज़्यादा पे मिल रहा है यदि कोई शेयर, मोर देन फेस वैल्यू, तो उसे हम लोग बोलते हैं एट प्रीमियम। और लेस देन फेस वैल्यू पे मिल रहा है उसे बोलेंगे डिस्काउंट। इज दैट क्लियर? फेस वैल्यू पे मिलता है तो क्या बोलेंगे एट पार, मोर देन फेस वैल्यू पे मिलता है तो एट प्रीमियम, और लेस देन फेस वैल्यू पे मिलता है तो एट डिस्काउंट। अपन इस तरह से इसको बोलते हैं, तो ये चीजें आपको याद रखना है। इज दैट क्लियर? चलिए एक और फंडा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जिसका नाम होता है डिविडेंड। कंपनी जो होती है वो शेयर होल्डर्स को, चाहे शेयर का रेट मार्केट में कुछ भी हो उससे उनको कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक फिक्स परसेंटेज अमाउंट जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं वो कंपनी पे करती है शेयर होल्डर को। सपोज करिए डिविडेंड का रेट है 5%, ये कंपनी ने डिक्लेयर किया। 5% का मतलब ये हुआ कि यदि फेस वैल्यू है शेयर की, इनिशियल वैल्यू है 100 रुपया, तो आपको डिविडेंड कितना मिलेगा 5 रुपया, ये इसका मतलब होता है। चाहे मार्केट वैल्यू कुछ भी हो, एक्स लिख देता हूँ मैं, अब मार्केट वैल्यू उसका 200 हो तब भी आपको 5 रुपये ही मिलना है, और मार्केट वैल्यू उसकी 0 भी रह जाए तो भी आपको 5 रुपये मिलना है, तो ये फंडा भी याद रखिएगा। इज दैट क्लियर? चलिए एक बात और फाइनली बता देता हूँ मैं आपको, कहीं पे ऐसा लिखा हो कि 5% स्टॉक एट 150, ऐसी लैंग्वेज का मीनिंग समझ लो। इस लैंग्वेज का मीनिंग ये होता है कि फेस वैल्यू है 100, मार्केट वैल्यू है 150, यानी 150 में एक्चुअल मिलेगा यदि आप खरीदने जाओगे तो, कहलाएगा 100 रुपये वाला, मिलेगा 150 में। इज दैट क्लियर? और उस पे जो डिविडेंड मिलेगा वो क्या मिलेगा 5 रुपये ही मिलेगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे हम करेंगे, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूं। विच स्टॉक इज बेटर, ये क्वेश्चन है। विच स्टॉक इज बेटर, अब आपको यहां पर दो चॉइसेस दिए, 5% स्टॉक एट 110, 7% स्टॉक एट 140। फाइव परसेंट स्टॉक एट 110, 7% स्टॉक एट 140। अब आपको बताना है कौन सा स्टॉक बेटर है। अब आपको मैं समझाता हूँ कैसे इस चीज़ को अपन एनालाइज करेंगे। पहला केस है 5% स्टॉक एट 110, इसका मतलब मैंने क्या सिखाया था कि 100 रुपये फेस वैल्यू का स्टॉक है जो मार्केट में अवेलेबल कितने में है 110 में, लेकिन उस पर कमाई तो 5 ही रुपये होगी क्योंकि फेस वैल्यू पे ही मिलती है तो फिक्स रेट रहता है मार्केट वैल्यू चाहे कुछ भी हो। इसका मतलब ये हुआ कि 110 रुपीज़ यदि आप खर्च करते हो तो आपको डिविडेंड मिलेगा 5 रुपये, यानी 5 रुपये आपकी इनकम हो गई,
इज दैट क्लियर? तो पर रुपी आपकी इनकम क्या हो जाएगी, 1 रुपये पे इनकम हो जाएगी 5/110, तो 100 रुपये पे आपकी इनकम हो जाएगी 5/110 मल्टीप्लाइड बाय 100। इज दैट क्लियर? इसको सॉल्व अपन बाद में करेंगे, अब अपन इसको भी समझ लेते हैं। 7% स्टॉक एट 140, इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप 140 रुपीज इन्वेस्ट करते हो तो आपको इनकम होगी ये वाली 7 रुपए, तो 1 रुपी पे आपकी इनकम हो जाएगी 7/140। तो आप इसको भी 100 पे निकाल लो, सेम पे दोनों करेंगे तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। 7/140 यदि इसमें 100 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो अपने को ऐसा होगा, तो 7 से 7 2 20 हो गया, कैंसिल होकर 25 100, तो यहाँ पर रिटर्न आ रहा आपका 5%। यस नो, यहाँ पर भी देख लेते रिटर्न कितना आ रहा है, तो ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये 5 10 50/11, तो ये मुझे लग रहा है कि 5 से तो कम ही आएगा क्योंकि 11 5 जा करें तो 55 आता है, तो ये रिटर्न आ रहा 4.something% आ रहा, तो इससे तो कम आ रहा है, तो कौन सा वाला बेटर है, ये वाला बेटर है 7% स्टॉक एट 140। इज दैट क्लियर? तो ये चीज़ आप बड़े आसानी से कंपेयर करके समझ सकते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं थोड़ा सा इससे अलग हट के बता रहा हूँ, अभी जो रूटीन चल रहा है अपना ये इससे हट के बात स्टॉक की ही कर रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो एक सेंसेक्स होता है, कई लोग नहीं समझते क्या होता है, तो सेंसेक्स पे यानी कि टॉप 30 स्क्रिप्ट जो सेबी से डिसाइडेड है अकॉर्डिंग टू देयर फाइनेंशियल पोजिशन, तो वो जो टॉप 30 स्क्रिप्ट है उनके बेस पर सेंसेक्स चलता है और वो सेंसेक्स का कम ज़्यादा होना उन पर डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर? और एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ, यहाँ पर वेटेड एवरेज का भी बहुत इंपॉर्टेंस है जब आप स्टॉक मार्केट का काम करते हैं। वेटेड एवरेज क्या होता है? वेटेड एवरेज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज मेरे पास 1 शेयर है किसी कंपनी का, सपोज करिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, और वो शेयर है 1200 रुपी का। इज दैट क्लियर? नो। अब इसके बाद क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम ये शेयर का प्राइस हो जाता है 1100। इज दैट क्लियर? तो मुझे कितना लॉस हुआ? आप बोलोगे 100 रुपीज का लॉस हुआ, मैं बोलूंगा नहीं, मुझे कोई लॉस नहीं हुआ क्योंकि मैंने सेल कहाँ करा, प्राइस हो गया 1100, मैंने थोड़ी बेचा अपना शेयर। तो दो तरह के लॉस होते हैं, एक तो रियलाइज्ड लॉस और एक होता है अनरियलाइज्ड। इज दैट क्लियर? यदि मैं सेल कर देता हूँ और लॉस बियर कर जाता हूँ तो दैट इज नोन एज रियलाइज्ड लॉस, और यदि मैंने लॉस में नहीं सेल करा है, मेरे पास पड़ा हुआ है, तो वो अनरियलाइज्ड लॉस है। मैंने लॉस हुआ मगर मैंने रियलाइज नहीं करा, मैं ये सोच के ही बैठा हूँ कि जिस दिन ये 1200 से ऊपर जाएगा मैं तब ही उसको सेल करूँगा। इज दैट क्लियर? अब मेरे पास क्या चॉइस है, यदि 1200 का 1100 हो जाता है तो मेरे पास एक चॉइस तो ये कि मैं लॉस बियर करके सेल कर दूँ। दूसरा चॉइस क्या है? दूसरा चॉइस ये कि मैं वेट एंड वॉच, वेट करूँ मैं 1200 के ऊपर आने पे सेल करूं। और एक थर्ड ऑप्शन और है मेरे पास कि मैं इसके ज़्यादा शेयर लो रेट में परचेज कर लूं, 1100 × 2, फिर और कम हो गया प्राइस 1000, फिर मैं इसके और ज़्यादा शेयर परचेज कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ये केयरफुल रहना चाहिए कि कोई कंपनी ऐसी नहीं हो कि वो बाय बोल के निकल ले कम होते होते उसका रेट, है ना, तो आपको बहुत सारा लॉस हो जाएगा। सो बी कॉशियस इन दिस मार्केट। तो 1 × 1200 मेरा कितना आ गया 1200, 2 शेयर इस रेट के तो मेरा हो गया 2200, ये 4 इस रेट के तो मेरा कितना हो गया 4000, तो ये मेरा टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट हो गया 00 2+2 4 7400 रुपीज़ है, और नंबर ऑफ क्वांटिटी शेयर्स की 4+2 6+1 7, तो 7400 रुपीज़ में मेरे पास कितने शेयर्स हैं 7, तो मेरा एवरेज रेट कितना हो गया 7 × 7 0 5 35 50 7 7 49 अप्रोक्सीमेटली 1057 रुपीज़ के मेरे पास ऑल 7 है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। सो देर आर सो मेनी थिंग्स जिनको हमको समझना ज़रूरी होता है, ऑल दीज थिंग्स, ये सब चीज़ें आप अपने अपने हर एक बंदे को अपने रिस्क लेवल को डिसाइड करके करना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ये सारी चीज़ें समझने के बाद हम आते हैं एक और नए क्वेश्चन पे, जहाँ पर हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा,
अब यहां पर एक चीज समझ लीजिए, एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट सम ऑफ मनी एट 5% स्टॉक एट 70 ट्वाइस एज मच मनी इन 7% स्टॉक एट 98 फोर टाइम्स एज मच मनी इन 9% स्टॉक एट 70 फाइंड द एवरेज इनकम ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 100। 100 रुपये पे आपको ऑन एन एवरेज कितनी इनकम होती है, ये मेरा क्वेश्चन है। अब बंदा तीन तरह के इन्वेस्टमेंट करता है। पहली वाली वैरायटी 5% स्टॉक एट 70। दूसरा वाला स्टॉक है मेरा 7% स्टॉक एट 98। तीसरा मेरा स्टॉक है 9% स्टॉक एट 70। इसमें जितना पैसा इन्वेस्ट करता है उससे डबल यहां इन्वेस्ट करता है। लिखा ना क्वेश्चन में ट्वाइस एज मच मनी इन 7% स्टॉक, ये ट्वाइस लिखा है। और आगे लिखा है ये वाला एंड फोर टाइम्स एज मच मनी, तो यहां पे 4x मान लीजिए इन्वेस्ट करता है। इज दैट क्लियर? अब यहां पर एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि 70 रुपये बंदा लगा रहा है तो 5 रुपये यहां डिविडेंड मिलना है। 70 पे 5 तो 1 पे कितना 5/70, तो एक्स रुपया लगा रहा है तो इतना रिटर्न यहां मिलेगा। इसी तरह से यहां पर 98 रुपीज लगाता है तो 7 रुपीज का रिटर्न मिलता है, तो 98 पे 7 तो 1 पे कितना 7/98 इसमें लगाता है वो 2x रुपया। ठीक इसी तरह से यहां पर 70 रुपीज लगाता है तो 9 रुपीज रिटर्न मिलता है, तो यहां का रिटर्न हो जाएगा 9/70 और यहां लगाता है वो 4x रुपया। तो इतना तो हो गया टोटल रिटर्न जो उसे मिला, होल डिवाइडेड बाय कितना इन्वेस्टमेंट करा तो इतना रिटर्न मिला। इन्वेस्टमेंट है आपका x प्लस 2x प्लस 4x, तो कितना हो गया है 7x। तो 7x यदि वो इन्वेस्ट करता है तो टोटल इतना कमाई होती है। तो दिस अपॉन दिस इंटू 100 करोगे तो 100 पे निकल जाएगी कमाई। यस नो, द ओनली थिंग इज वी नीड टू सॉल्व दिस थिंग, इज दैट क्लियर? चलिए अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि x तो पहले कॉमन आ जाएगा बाहर, तो कैन आई कैंसल दिस एक्स थ्रू आउट, वो तो कॉमन आके यू भी कैंसल होना है। अब ये 100 और ये 7 को तो मैं लिख देता हूं यहां पर 100/7, देन ये मेरा हो गया 5/70 प्लस 7 2 14, 14 7 98 होता है, तो ये हो गया मेरा 1/7 प्लस 9 4 36/70। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया करो, यहाँ पे भी जीरो लगा दो, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, नीचे भी जीरो लगा दो, क्या फर्क पड़ता है ना। तो ऐसा करने से मेरा एलसीएम सेम हो जाएगा तो मेरा लोड कम हो जाएगा, वर्कलोड 100/7, दिस इज स्मार्ट वर्क, करना चाहिए, बड़े हो गए आप। एलसीएम कितना 70, तो ये 36 + 10 46 + 5 कितना आया 51, इज दैट क्लियर? तो ये मेरा जीरो से मेरा जीरो कैंसिल हो गया, तो ये मेरा आ गया 510/7, दिस इज माई आंसर। और आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको आप कर सकते हैं 510/7, तो 510 को 7 से आप डिवाइड करेंगे, सॉरी 510/49, 7 7 जा
इज दैट क्लियर? तो ये 49 वन झा 49, बचा कितना 2 0, तो 10 आ गया है, 10 पॉइंट समथिंग समथिंग आ जाएगा, क्योंकि ये 49 10 झा होता है 490 और उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा है ये, 10 पॉइंट समथिंग समथिंग विल बी द आंसर। आई थिंक अप्रोक्सीमेटली इट इज इक्वल टू 10.4। तो दिस इज माई रिटर्न ऑन रुपीज 100। तो कैन आई से परसेंट रिटर्न, क्योंकि 100 पे जो रिटर्न होता है उसी को क्या बोलते हैं अपन, परसेंटेज बोलते हैं। आई होप दैट इज क्लियर, बात समझ आई। चलिए तो इसी के साथ ये लेक्चर हमारा ख़त्म होता है, और इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो अगले सेशंस होंगे उनका इंतज़ार करते रहिएगा, चैनल पे बने रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।